गुड आफ्टरनून एवरीबडी वेलकम टू की स्म्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन दिस इज़ चैप्टर फोर्थ ऑफ सोशियोलॉजी क्लास ट्वेल्थ ये जो चैप्टर है वील बी डूइंग इट इन थ्री पार्ट्स तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो सबसे पहले मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि दैट यू मेड नोट्स अलग विद द वीडियो ठीक है सो दैट इट कैन हेल्प यू इन द लॉन्ग रन प्लस डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स एट ऑल ठीक है बिकॉज um, थोड़ी देर बाद यू विल फॉरगेट इट अदरवाइज सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन ओके नाउ जनरली मार्केट्स आर वेयर थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड जनरली इसे ये कहते हैं इन फैक्ट समटाइम्स इट ऑल्सो रेफर्स टू एन एरिया और अ कैटेगरी ऑफ ट्रेड फॉर एग्जाम्पल दे इज अ का मार्केट ठीक है देन देर इज अ फिश मार्केट डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स होती हैं द फ्ला मार्केट एट्सट्रा बट ब्रॉडली जो है मार्केट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इकोनॉमी ठीक है हम इकोनॉमिकली इसको बहुत जल्दी ले लेते हैं नाउ मार्केट इज जनरली थॉट ऑफ एज एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बट इन दिस चैप्टर वील स्टडी इट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन नाउ वी नो द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी तो हम इसे पढ़ेंगे एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन ओके तो सबसे पहले हम करेंगे सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑन मार्केट्स एंड द इकोनॉमी ठीक है इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में नाउ द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स ओके इट एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स वर्क इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज ठीक है सबसे पहले मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज कौन सी होती हैं दीज आर दोज इकोनॉमीज जहाँ पे प्राइवेट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है ठीक है प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा होती है सो नाउ डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स जो है इट बेसिकली अंडरस्टैंड हाउ मार्केट वर्क एंड वेयर मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जैसे आजकल काम करती हैं सो वील अंडरस्टैंड वॉट इज सोशियोलॉजी हैज़ टू टेल यू अबाउट मार्केट्स नाउ बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो कि एटीन सेंचुरी था नाउ ही आर ईको इज रिटन यू हू टू राइट इकोनॉमिक्स ओके एट दैट टाइम इट वॉज नोन एज पोलिटिकल इकोनॉमी तब इसे पोलिटिकल इकोनॉमी कहते थे और एडम uh, स्मिथ आपको पता ही है ही इज़ अ फेमस इकोनॉमिस्ट एंड इन्होंने एक किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस अकॉर्डिंग टू हिम मार्केट इकोनॉमी जो है इट इज़ मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल एक्सचेंजेस इंडिविजुअल एक्सचेंजेस जैसे कि आप जानते हैं ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं इट क्रिएट विच क्रिएट अ फंक्शनिंग एंड ऑर्डर सिस्टम नाओ कोई भी ऐसे इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन या एक्सचेंज जो एक सिस्टम बनाता हो अकॉर्डिंग टू हिम मार्केट इकोनॉमी उसे कहते हैं नाव नन ऑफ द इंडिविजुअल इन्वाल्व इन ट्रांजेक्शन इंटेंडेड टू क्रिएट अस्टम नाओ ही ऑल्सो सेज दैट people who were involved in individual exchanges and transactions. they did not want to create a system, but it was created. so, according to him, self-interest, the pursuit of self-interest, the interest of all or a society also seemed to be looked after. the that in the pursuit of self-interest, now every individual wanted to work, फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट ठीक है इंडिविजुअल एक्सचेंजेस जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हैं बट इट केटर्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी टू ठीक है तो इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी लुक डाफ्ट जब हम ये देखते हैं सो so, uh, इसके बाद वील रियलाइज की वॉट हैपन्स दिस इज वॉट एडम स्मिथ सेज इनिशियली देन ही सेज दैट देर इज एन अनसीन फोर्स विच वर्क्स ठीक है इसको ये इनविजिबल हैंड कहते हैं द इज एन अनसीन फोर्स विच वर्क्स एंड इट कन्वर्ट्स वॉट इज गुड फॉर ईच इंडिविजुअल टू वॉट इज गुड फॉर सोसाइटी तो सेल्फ इंटरेस्ट आर कन्वर्टेड इन टू कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड एडम स्मिथ कॉल्स इट एज द इनविजिबल हैंड अकॉर्डिंग टू हिम सोसाइटी ओवरऑल बेनिफिट्स वेन इंडिविजुअल्स परस्यूव देयर ओन इंटरेस्ट तो मतलब जब इंडिविजुअल अपना सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू करते हैं तो सोसाइटी का इंटरेस्ट भी फुलफिल होता है ठीक है बिकॉज इट क्रिएट्स वेल्थ एंड देर फॉर ही सपोर्टेड फ्री मार्केट नो फ्री मार्केट इज़ अ मार्केट विच इज़ फ्री फ्राम ऑल रेगुलेशन्स रेगुलेशन जैसे कि स्टेट रेगुलेशंस होती हैं और डिफरेंट रेगुलेशंस ठीक है उनसे जो फ्री हो दैट इज़ फ्री मार्केट दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लेसे इज फेयर ओके एंड इस ये जो टर्म है लेसे इज़ फेयर इसका मतलब होता है लीव अ लोन और लेट इट बी ओके तो एडम स्मिथ बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ की ही टॉक्स अबाउट इनविजिबल हैंड ही टॉक्स अबाउट फ्री मार्केट ठीक है सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू नो बट आफ्टर नोइंग अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने पढ़नी है कि सोशियोलॉजिस्ट हाउ डू दे व्यू इट जो सोशियोलॉजिस्ट हैं देव ट्राइड टू व्यू इट विद इन अ लार्जर सोशल फ्रेमवर्क ठीक है सोसाइटी के साथ उन्होंने पढ़ा है तो अकॉर्डिंग टू दैम मार्केट्स आर सोशल इंस्टीट्यूशन दैट आर कंस्ट्रक्टेड इन कल्चरली स्पेसिफिक वेज अब इनके अकॉर्डिंग ये सोशल इंस्टीट्यूशन हैं ठीक है अब इसका ये एग्जाम्पल क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू दैम मार्केट्स आर ऑफन कंट्रोल बाई पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स और क्लासेस नाउ दिस इज अ फिन विच वी पीपल सी जनरली ठीक है देर आर सम मार्केट्स जो एक पर्टिकुलर क्लास या एक पर्टिकुल पर्टिकुलर कास्ट कंट्रोल करती है देआर फॉर यू कैन से दैट इकोनॉमिक इकोनॉमीज आर सोशली एम्बेडेड सोशली एम्बेडेड मतलब एम्बेडेड क्या होता है अ uh, firmly put somewhere ठीक है तो uh, जो economies हैं उनका एक social uh, foundation जैसा है ठीक है they're embedded तो they are affected by society तो this is what sociologists study so let's move on हमारा जो next topic है that is अभी एक example है a weekly market अभी generally हम examples लेते नहीं है but हम इसलिए ले रहे हैं because it is also one of the questions जो बैक क्वेश्चन हैं सो लेट स्टार्ट ओ वीकली मार्केट ओके नाउ वीकली मार्केट का क्या है जो पीरियडिक मार्केट्स हैं इट्स अ सेंट्रल फीचर दे आर वन ऑफ द सेंट्रल फीचर्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हाओ अभी सेंट्रल फीचर ये जनरली देखा जाता है देर आर सम मार्केट्स विच ओपन ऑन अ पर्टिकुलर डे ठीक है नाउ दीज मार्केट्स लिंक डिफरेंट रीजन डिफरेंट रीजन के लोग आते हैं वहाँ पे लोकल इकोनॉमीज अकटी होती हैं एंड देन लिंक देम टू अ वाइडर नेशनल इकॉनमी नाउ जैसे एक टाउन में कोई फेयर है तो डिफरेंट टाउन के पीपल दे कम टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट रीजनस एंड डिफरेंट इकॉनॉमीज एंड देन वहाँ के जो लोग है, ते हैं दे आर कनेक्टेड टू वाइडर नेशनल इकानमी सो मार्केट्स हियर आ मेजर इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी यहीं पर होते हैं देन ऑल्सो फॉर सोशल इंटरकोर्स दैट इज़ जो यहाँ पे लोग आते हैं दे ऑल्सो कम टू विजिट दे कम टू मीट देयर किन देयर रिलेटिव्स मैरिज uh, भी जब भी आते हैं तभी अरेंज होती हैं इनफैक्ट फैक्ट टू एक्सचेंज गिप टू ठीक है तो वीकली मार्केट इज नॉट जस्ट इकोनॉमिकली नो की एक्सचेंजेस के लिए इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के लिए नहीं बट ऑल्सो फॉर सोशल जो हमारी सोशल uh, इंटरकोर्स है फॉर एग्जाम्पल टू मीट पीपल टू टॉक टू पीपल इस सब के भी काम आता है ना सच ए मार्केट इन ट्राइबल एरियाज इज़ एन ओल्ड इंस्टीट्यूशन ठीक है इट्स अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन ऐसा चलता है बट नाउ कैरेक्टर हैज़ चेंज्ड रिमोट एरियाज़ व ब्रॉड अंडर कोलोनियल रूल रिमोट एरियाज ठीक है जो पहले बहुत दूर दराज के इलाके थे देव ब्रॉड अंडर कोलोनियल रूल ठीक है देव ब्रॉड और उनको इनकॉर्पोरेट किया गया वाइडर रीजनल एंड नेशनल इकोनॉमीज में फॉर इंस्टेंस जो ट्राइबल एरियाज थे दे देव ओप अप हाउ रोड्स व बिल्ड तो पीपल कुड ट्रैवल टू ट्राइबल एरियाज सेकेंड इज लोकल पीपल वो पैसिफाइड ठीक है सो दैट नेचुरल रिसोर्स कुड बी एक्सप्लॉयटेड पैसिफाइड इज देवर यू नो उनको थोड़ा काम किया गया एंड uh, क्यों क्योंकि उनके नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने थे सो दे हैड टू बी पैसीफाइड एंड अ मार्केट फॉर ट्राइबल लेबर कि इन मार्केट्स में जो ट्राइबल्स थे वो अपनी लेबर एज अ कमोडिटी बेचते थे देन एंट्री ऑफ ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ठीक है अब मार्केट चल रहा है तो इनकी एंट्री भी हो जाती है सो so, दिस हैड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस फॉर लोकल पीपल हाउ जैसे कि एक्सप्लोइटेटिव इकोनॉमिक रिलेशनशिप थी बिटवीन आदिवासीज एंडर्स बिकॉज मनी लेंडर्स यू ऑल नो कि मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स कैसे काम करते हैं अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड गेल मार्केट सिम्बलाइज दायरार्किकल इंटरग्रूप सोशल रिलेशन ओके तो हाउ डू यू नो इट कि एक जो मार्केट जैसे है वो भी एक सिम्बोलिक है किसका हायर आर्किकल इंटरग्रुप सोशल रिलेशन इसका क्या मतलब है इसका है कि जैसे जो वेल्दी पीपल होते थे वो सेंटर ऑफ द मार्केट के बीच में होते थे यहाँ पे होते थे वेल्दी पीपल इनके अराउंड जो होते थे दो पीपल व ट्राइबल ठीक है तो जैसे मार्केट बना हुआ है उससे ही पता लग जाता था सोशल रिलेशन्स का दैट इज वाई सोशोलॉजिस्ट से दैट मार्केट इज़ ऑल्सो सोशल इंस्टीट्यूशन ठीक है इट इज़ सोशली एम्बेडेड कि आपको उससे पता लगता है सो लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट इज कास्ट बेस्ड मार्केट्स एंड ट्रेडिंग नेटवर्कस इन प्री कलोनियल एंड कलोनियल इंडिया ठीक है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया इज थॉट टू हैव बिगिन विद द एडवेंट ऑफ कलोनियलिज्म ऐसा कहा जाता है मोस्टली स्कॉलर्स कहते हैं कि uh, जब कलोनलिज्म आया मतलब जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर गए ठीक है तो तभी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आई यस इट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट आल्सो कि मेजर जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉमेशन थे फॉर एग्जाम्पल उसके बाद लैंड रेवेन्यू स्टार्टेड टू बी पेड इन कैश ठीक है पहले काइंड में भी चलता था थोड़ा थोड़ा बट जो रिसेंट हिस्टोरिकल रिसर्च है इट शोज दैट इंडियाज इकोनॉमी वॉज एक्सटेंसिवली मोनिटाइज्ड इन द लेट प्री कलोनियल पीरियड कि जो प्री कलोनियल पीरियड था तब क्या था कि मोनिटाइजेशन होनी स्टार्ट हो गई थी इंडियन इकॉनमी में तो ये रिसेंट रिसर्च से पता लगा है ठीक है सो देर फॉर वन कैन से दैट देर इज अ वेरी फजी लाइन फजी इज वेरी अनक्लियर ठीक है सो देर इज नो क्लियर लाइन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इकोनॉमी कि ट्रेडिशनल कब गया और मॉडर्न कब आया सो देर इज नो पर्टिकुलर लाइन अगर हम देखें ठीक है तो देर फॉर सम ऑफ द सफेस्टिकेटेड ट्रेडिंग नेटवर्क एग्जिस्टेड इन द प्री कलोनियल इंडिया तो ऑब्वियसली कॉलोनियल पीरियड के बाद तो चेंजेस आए ही हैं बट प्री कॉलोनियल में भी काफ़ी ज़्यादा सेफेस्टिकेटेड ट्रेडिंग नेटवर्क एग्जिस्टेड फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ दोज इज़ हुडी ठीक है बिल ऑफ एक्सचेंज इट्स अ क्रेडिट नोट जो अगर आप एक पार्ट में दे देते थे तो दूसरे पार्ट में जाके आप मनी ले सकते थे ठीक है इट वॉज काइंड ऑफ अ क्रेडिट नोट नाउ ट्रेड टू प्लेस primarily विद इन द कास्ट एंड किनशिप नेटवर्क ऑफ दिस कम्युनिटीज सी अगेन यहाँ पे आपको पता लगता है हाउ सोशल एंड हाउ सोसाइटी इफेक्ट्स इकॉनमी ठीक है क्योंकि जो लोग एट दी हेलम ऑफ पार हैं ठीक है जो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं वो बेसिकली अपनी कास्ट और अपनी किनशिप नेटवर्क्स पे ही काम करते थे फॉर एग्जांपल एग्जांपल दिया गया है नटू चेटियार्स का तो ये काम करते थे जॉइंट फैमिली फर्म्स की तरह ठीक है और इट वाज काइंड ऑफ एन इंडिजीनियस कैपिटलिज्म क्योंकि कैपिटलिज्म व्हाई बिकॉज ये दे एक्सपैंडेड अप टू साउथ ईस्ट एशियन सिलॉन सिलोन है श्रीलंका ठीक है इनिशियली उसे सिलॉन कहते थे बहुत पहले सो दे एक्सपैंड टिल देयर तो इससे पता लगता है कि जितने भी जो हमारे जो ट्रेड होता था वो कास्ट एंड किनशिप नेटवर्क्स पे काम करता था ठीक है तो यू कैन से कि मार्केट्स कास्ट बेस्ड थे ठीक है प्री कॉलोनियल में हमने कर लिया कलोनियल में तो चेंजेस आए ही हैं सो लेट्स कंटिन्यू एक थी ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज़ नाउ व्हाट डू वी नो अबाउट दोज देर इज़ अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन कास्ट सिस्टम एंड एकमी इन टर्म्स ऑफ लैंड होल्डिंग अगर आप देखो या ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन देखो एंड सो ऑन इसका क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर कास्ट लैंड होल्ड करती थी ऑक्यूपेशन भी डिफरेंट होते थे डिफरेंट कास्ट के फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द फोर वर्नर्स है वेशर्स ठीक है नाउ ये क्या इंडिकेट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मर्चेंट एंड ऑफ ट्रेड इन इंडियन सोसाइटी इन एंशियन टाइम्स और ये हमेशा से मर्चेंट क्लास रही है मर्चेंट कास्ट रही है हमारी नाउ वेज इज ऑफन अ स्टेटस दैट इज क्लेम्ड और एक्सपायर्ड ठीक है एंड इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड आइडेंटिटी फॉर एग्जाम्पल देर आर सम कास्ट विच हैव ट्राइड टू एक्वायर द स्टेटस फॉर एग्ज़ाम्पल है जैसे बानियाज जो है नॉर्थ इंडिया के ट्रेड हैज़ ऑलवेज बीन अ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन फॉर दैम वो हमेशा से इसमें इन्वॉल्व रहे हैं बट सम हैव ट्राई टू एंटर इन टू ट्रेड और उन्होंने एक वैश्य स्टेटस गेन किया है अपवर्ड मोबिलिटी हमने ये देखा है ये प्रैक्टिस रहती ही है कि आ, किसी भी कोई भी जो कास्ट है ठीक है इट ट्राइज टू एक्वायर अ हायर स्टेटस अपवर्ड मोबिलिटी ये हमने कंसेप्ट पहले भी किया हुआ है कास्ट में ठीक है नाव ट्रडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज़ जो है दे ऑल्सो इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि पारसीज हैं सिंधीज़ हैं वी हैव बोराज वी हैव जेंस ठीक है सो दीज आर ट्रडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज़ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है इन सॉल्ट वी ऑल नो इट वॉज कंट्रोल्ड बाई मार्जिनलाइज ट्राइबल ग्रूप बंजाराज तो इनिशियली क्या होता था जो बनजारास थे वो वो इन पे मोनोपली उन्होंने क्रिएट करके रखी थी नाउ हाउ इज़ दिस मोनोपली क्रिएटेड हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो सॉल्ट है वो एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप ने कंट्रोल किया था वाई बिकॉज ये जो बिजनेस मैन है दे लाइकली ट्रस्ट देयर ओन कम्युनिटी एंड देर फॉर दे टेंट टू डू बिज़नेस विद इन सच नेटवर्क देर फॉर इट क्रिएट्स अ कास्ट मोनोपली देर फॉर एक कास्ट के अंडर एक मोनोपली क्रिएट हो जाती है कोई भी एक ट्रेड करने की सो दिस इज़ हाउ ये अगेन एक एग्जाम्पल है कि सोसाइटी कैसे इफेक्ट करती है सोशल रिलेशन आपके कैसे इफ़ेक्ट करते हैं इकोनमी को इनसे क्या होता है मोनोपली भी क्रिएट हो जाती है सो so लेट्स मूव फर्दर एंड ये जो लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ कलोनियलिज्म एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू मार्केट्स आई एम होपिंग कि आप नोट्स साथ में बना रहे हैं आई एम होपिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द वीडियो ठीक है प्लीज डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म दिस इज अगेन अ रिमाइंडर सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स आप कॉमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं सो लेट्सटार्ट जो क्लोनियलिज्म है ठीक है उसके साथ क्या हुआ हमने प्री कलोनियल का कर लिया हुंडी एक्सेट्रा अब हम करते कलोनलिज्म एडवेंट ऑफ कलोनलिज्म ने क्या किया है इट कॉस्ट डिसरप्शंस इन प्रोडक्शन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर डिफरेंस आ गया ठीक है फॉर एग्जाम्पल हैंडलूम इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई डिमाइस ठीक है कैसे डिस्ट्रॉय हुई बिकॉज uh, जो रूलर्स थे ठीक है जो रूल कर रहे थे जो छोटे प्रिंसेस थे उनको हटा दिया गया तो ऑब्वियसली वो पेटर्न्स थे ठीक है मेजर पेटर्न्स थे हैंडलूम इंडस्ट्री के तो वो चले गए एंड uh, हुआ क्या था कि जो हमारा मार्केट था इट वॉज फ्लडेड विथ चीप मैन्यूफैक्चर टेक्सटाइल फ्रॉम इंग्लैंड तो जो हमारा हैंडलूम इंडस्ट्री है तो वो चला गया ठीक है टू एदर अ वे मोस्ट हिस्टोरियंस कंसिडर कॉलोनियल पीरियड एज अ टर्निंग पॉइंट मोस्टली दे डू इट एंड इंडिया बिगैन टू बी अ मोर फुली लिंक्ड टू वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनमी और हम ज़्यादा लिंक हो गए कलोनियल रूल के बाद इंडिया वॉज बोथ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल भी यहीं से ज़्यादा था और मैन्युफैक्चर जो गुड्स थे वो भी यहीं पे डंप होते थे वाई इन ऑर्डर टू बेनिफिट इंडस्ट्रियलाइजिंग इंग्लैंड ओके सो दिस इज वॉट हैपन टू अस ड्यूरिंग कलोनियल पीरियड रॉ मटेरियल्स भी हम प्रोवाइड करते थे और मैनुफैक्चर गुड्स जो होते थे वो भी हम ही खरीदते थे सो दैट काइंड ऑफ जो हमारा लॉस हुआ है इट वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजिंग इंग्लैंड बट इट ऑल्सो प्रोवाइडेड न्यू अपॉर्चुनिटीज टू सम क्लासेस यू हैव टू नो कि कलोनियलिज्म ऑल्सो गॉट सम अपॉर्चुनिटीज कईयों को मिली फॉर एग्जाम्पल्स इसमें हम देख सकते हैं मारवाड़ी नाउ ये जो है इट इज़ अ वेरी फेमस नेम वेरी सक्सेसफुल ठीक है और uh, ये सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी है एंड दे टुक एडवांटेज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन कलोनियल सिटीज एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो ओके

Stay safe, stay home, and study hard. Thank you.